हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो है न्यूरोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि होता है डोल आई रिफ्लेक्स या फिर ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स। क्या होता है नॉर्मल रिस्पॉन्स, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है इस रिफ्लेक्स का, क्या मेथड होता है चेक करने का, और एम्स डीएसएसबी जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो ये सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत जो है हम लोग एक क्वेश्चन से करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, देन आफ्टर आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक में अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आएगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर दें टॉपिक पढ़ने के बाद में। तो क्वेश्चन क्या है कि डोल्स आई रिफ्लेक्स इज यूज टू असेस नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ, यानी इनमें से किसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए डोल आई रिफ्लेक्स जो है परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन है क्या स्पाइनल कॉर्ड, क्या ब्रेन स्टेम यानी मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या अपर मोटर न्यूरॉन यानी पिरामिडल न्यूरॉन्स को फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, क्या सेकेंड क्रेनियल नर्व के फंक्शन को चेक करने के लिए। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर दें टॉपिक पढ़ने के बाद, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो। तो अब देखते हैं कि डोल आई रिफ्लेक्स क्या होता है। तो डोल आई रिफ्लेक्स को हम लोग जो है ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। एक्चुअली इसके दोनों नाम क्यों बोले जाते हैं, डोल आई रिफ्लेक्स का मतलब होता है डोल, जो हम लोगों ने देखा बचपन के अंदर डोल को अगर मूवमेंट कराते हैं तो आँखों का मूवमेंट भी उसमें होता है, इसलिए इस रिफ्लेक्स का नाम रख दिया डोल आई रिफ्लेक्स। और ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स क्यों रखा गया, ओक्यूलो मतलब होता है आईज, यानी आईज की मूवमेंट से हम लोग जो है सिफेलिक यानी ब्रेन के फंक्शन का पता लगाते हैं, इसलिए इस रिफ्लेक्स का नाम रखा गया है ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स। तो यह नाम आपको समझ में आया होगा। ये क्यों किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि डोल आई रिफ्लेक्स क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो ब्रेन स्टेम यानी मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शनिंग या फिर ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग इन अनकॉन्शियस या कोमा पेशेंट है, अगर एक पेशेंट है जो कि कोमा में है या अनकॉन्शियस है, उस पर्सन में हमें देखना है कि उस पर्सन का ब्रेन डेड हुआ है या नहीं हुआ है या ब्रेन फंक्शनल है, उस चीज को पता लगाने के लिए जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ब्रेन स्टेम फंक्शन है यानी मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा फंक्शनिंग है, या फिर अगर पेशेंट या फिर पर्सन की डेथ हो चुकी है तो ये रिस्पॉन्स क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा यहाँ पर। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या मेथड होता है इसको चेक करने का। तो ये हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है मैंने। तो इसके अंदर जो है आईज देख रहे हैं हम लोग, तो ये अगर इस पर्सन का हेड जो है राइट साइड में टर्न करेंगे और आंखों का मूवमेंट अगर लेफ्ट साइड में होता है, इट मीन्स ये नॉर्मल कंडीशन समझी जाती है, यानी इसको हम लोग जो है पॉजिटिव डोल आई रिफ्लेक्स बोलते हैं। हम लोग इसको परफॉर्म करके देखते हैं, आंखें हो गई अपने आप लोग देख पा रहे हैं, अगर हेड को राइट साइड में मूवमेंट किया तो अगर राइट लेफ्ट साइड के अंदर मूवमेंट हो रहा है इट मीन्स नॉर्मल है, या फिर हेड को लेफ्ट साइड में मूवमेंट किया और मूवमेंट जो है राइट साइड में हो रहा है इट मीन्स ये नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। लेकिन अगर आंखें फॉलो करती है हेड के मूवमेंट के साथ में आंखें फॉलो करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन डेड या फिर नेगेटिव डोल आई रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब इसकी हम लोग जो है फिजियोलॉजी देखते हैं। तो फिजियोलॉजी को समझने से पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, यानी हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रेनियल नर्व्स की, तो जो तीसरी चौथी और छठी क्रेनियल नर्व होती है यानी कि ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व और एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व, ये सारी की सारी नर्व जो होती है मिड मतलब अपने जो ये ब्रेन का पार्ट होता है अपना ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी ब्रेन स्टेम से अराइज होती है या इनर्वेट करती है। तो ये क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है अपने आई बोल की मसल्स को, और एक आई बोल को टोटल छः मसल सप्लाई करती है, यानी चार रेक्टस मसल होती है और दो ओब्लिक मसल होती है, ऊपर की तरफ सुपीरियर ओब्लिक सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस और दो ओब्लिक होती है सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक, इन चारों मसल्स को जो है ये क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। तो इसको जो है मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन भी किया था, फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है वो सप्लाई करती है इस जगह से हम लोग घड़ी को घुमाते हैं यहाँ तक, तो इन सारी मसल्स को जो है सप्लाई करती है कौन सी क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। देन यहाँ पर जो आउटसाइड में होगी ये दोनों मसल इनको सप्लाई करती है अपने पास में सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, और जो एक बच गई अपने पास में इसको सप्लाई करेगी कौन सी वाली, फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है इसको सप्लाई करती है, यानी सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ कप सप्लाई करती है जबकि लेटरल रेक्टस को सिक्स, और बाकी जितने भी मसल्स होते हैं उनको कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, थर्ड सप्लाई करती है। तो अब हम लोग इसकी फिजियोलॉजी समझते हैं, इजी है अंडरस्टैंड समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का फेस राइट साइड में मूव किया और आंखें जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट मींस मिड ब्रेन या पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी ब्रेन स्टेम से क्रेनियल नर्व के थ्रू इम्पल्स आ रहा है, तभी तो आंखों का मूवमेंट हो रहा है। अगर यहाँ से इम्पल्स नहीं आता इट मीन्स आंखें जो है स्टेटिक रहती, फॉलो
करती, हेड इधर मूव किया तो आंखें भी इधर मूव हो जाती, इस तरीके से मूव नहीं होती। अगर ऐसा मूव हो रहा है इसका मतलब इम्पल्सेज आ रहे, इट मीन्स ब्रेन स्टेम जो है फंक्शनल है। तो ये होता है अपना इसका फिजियोलॉजी, इम्पल्स आ रहा है इसी वजह से आंखों का मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, लेकिन इम्पल्स नहीं आता तो आंखें फॉलो करती, तो वहां पर वो जो है ब्रेन डेड को इंडिकेट करता। तो सिंपल सा टॉपिक है, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समराइज कर लेते हैं। दूसरा नाम होता है इसका ऑक्युलोसिफेलिक रिफ्लेक्स। क्यों किया जाता है? ब्रेन स्टेम या ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए इन द अनकॉन्शियस एंड कोमाटोस पर्सन। और इसमें क्या होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर फेस को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे तो आंखों का मूवमेंट राइट साइड में, और अगर फेस को राइट साइड टर्न करेंगे तो आंखों का मूवमेंट लेफ्ट साइड के अंदर होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इट मीन्स इम्पल्सेज आ रहे हैं, इम्पल्सेज आ रहे हैं मतलब ब्रेन स्टेम फंक्शनल है। और कौन कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है आंखों के मसल्स को, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, यानी ओक्युलोमोटर, प्रोक्लियर और एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व जो है सप्लाई होती है। तो अब हम लोग जो है शुरू में हमने टॉपिक शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि आप तक नेक्स्ट अपडेट जो है जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।